अस्सलाम वालेकुम मेरी प्यारी सी यूट्यूब की फैमिली, कैसे हैं आप। उम्मीद करती हूँ आप बिल्कुल ठीक ठाक होंगे, खुशपाश होंगे। अल्लाह पाक आपको हमेशा खुश रखे, अपनी हिफ्ज़ अमान में रखे। तो ये डायपर आप देख रहे थे मोलफिक्स के, ये साथ के लिए मैं यूज़ करती हूँ। मैंने अपने सारे बच्चों के लिए ना ये मतलब जब सारे बच्चों के लिए मैंने यही डायपर यूज़ किए हैं। ये मोलफिक्स जो है ना वो बेस्ट हैं, बहुत अच्छे डायपर हैं। अगर आपको मतलब कुछ माओं को कन्फ्यूजन होती है ना कि वो अपने बच्चे के लिए कौन सा डायपर यूज़ करें, तो मोलफिक्स जो बेस्ट है थोड़ा महंगा है लेकिन जो है ना अच्छा है। इससे बच्चे को रैश वगैरह नहीं होते, मतलब इससे जो है ना वो बच्चा सुकून में रहता है। तो महंगाई वैसे ही बहुत ज़्यादा बढ़ गई है, हर चीज़ ही महंगी है। तो ये जो है ये पैकेट पहले 1350 का मिलता था, 48 पीसेज है इसमें, और अब जो है ये 1700 का है। तो जो है ना ये अपने हुक्मरान को दुआएं देनी चाहिए कि उन्होंने जो है ना ये तब्दीली लेके आए। तो इसके अलावा जी आज मैं बनाऊंगी देसी मुर्ग का शोरबे वाला सालन, तो उसकी रेसिपी भी मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगी। तो वीडियो आपने कंप्लीट वॉच करनी है, वीडियो को बिल्कुल भी स्किप नहीं करना। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकन प्रेस करना बिल्कुल भी नहीं भूलना, ताकि मेरी हर आने वाली नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको जल्द से जल्द मिल सके। तो आज बहुत सारी बातें करनी हैं आपसे, तो सबसे पहले बात कर लेते हैं जी सितारा मतलब रेहाना के किचन के हवाले से, कि उनके बारे में बहुत ज़्यादा बातें हो रही हैं कि वो जो है ना सितारा यासीन के नाम पे व्यूज़ हासिल कर रही हैं। वो सितारा यासीन की चमची हैं, बहुत सारे लोग उनके बारे में कई कई बातें कर रहे हैं, लेकिन ऐसी कोई बात नहीं है। मैंने खुद पर्सनली उनसे बात की है, बहुत ही अच्छी इंसान है वो, जो जो मतलब दिखती हैं अंदर से भी वैसी हैं, जो सामने हैं अंदर से भी वैसी ही हैं। कोई ऐसा नहीं है, कुछ लोग होते हैं ना सामने कुछ और होते हैं अंदर से कुछ और होते हैं। ये मतलब लोगों के नाम पे व्यूज़ वो लोग हासिल कर रहे हैं जो हेटर्स हैं, सितारा यासीन के हेटर्स हैं, रेहाना के किचन के हेटर्स हैं। मतलब उनको इस बात का है कि इनके व्यूज़ आ रहे हैं, ये जो है ना मतलब इनका चैनल ग्रो कर रहा है, तो इस बात पे जो है ना लोग उनके ख़िलाफ़ बातें कर रहे हैं। देखे ना, इज़्ज़त और ज़िल्लत जो है ना वो अल्लाह के हाथ में होती है, वो जिसको चाहे नवाज़ देता है। तो जो रेहाना का किचन है ना, वो उनकी जो मेहनत का फल है वो सितारा यासीन की सूरत में उनको मिला है। जब से मतलब सितारा यासीन के अभी 50 के सब्सक्राइबर थे, तो उस टाइम की वो सितारा के हक़ में वीडियोस बना रही हैं। उनको नहीं पता था कि सितारा यासीन जो है ना वो इतनी मशहूर हो जाएगी या इतने उसके सब्सक्राइबर हो जाएंगे। तो ये जो है ये रेहाना का किचन जो है हर हाल में सितारा यासीन के साथ रही, तो सितारा यासीन ने भी मतलब उनको इज़्ज़त बख्शी कि वो उनके घर गई, उनको इज़्ज़त दी। तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो सितारा यासीन की चमची बन गई हैं या सितारा यासीन जो है ना वो उनकी कोई रिश्तेदार है, फलां है फलां है, लोग पता नहीं कैसी कैसी बातें कर रहे हैं उनके हवाले से। तो मैं आपसे यही कहना चाहूँगी कि जो है ना वो रेहाना का किचन बहुत ही अच्छी इंसान है, वो जो है ना अल्लाह ताला ने उनको इज़्ज़त दी है, बहुत सारी मुश्किलें भी उन्होंने काटी हैं अपने चैनल के हवाले से, बहुत ज़्यादा तगोदू की है तब जाके वो इस मकाम पर पहुँची हैं। तो किसी के कुछ कहने से कुछ भी नहीं बनता, ना उनके सब्सक्राइबर कम हो जाएंगे ना ही उनकी जो है ना वो व्यूज़ में कोई फ़र्क आएगा, उल्टा जो है ना उनके व्यूज़ बढ़ेंगे, लोग उनकी वीडियोस को ज़्यादा वॉच करेंगे। तो इसलिए जो है ना वो रेहाना का किचन के हेटर्स से यही कहना चाहूँगी कि उनके ख़िलाफ़ जो है ना वो वीडियोस बनाना बंद कर दें या उनके ख़िलाफ़ बोलना बंद कर दें, ऐसी कोई बात भी नहीं है। वो एक बहुत अच्छी इंसान है और इतने अच्छे व्लॉग्स बनाती हैं, इतनी अच्छी वीडियोस बनाती हैं कुकिंग की। तो जो भी मेरी वीडियोस पे देख रहे हैं जिन्होंने रेहाना के किचन को विज़िट नहीं किया, तो मैं उनसे पर्सनली ये कहना चाहूँगी कि उनके चैनल पे जाएं, उनको सब्सक्राइब करें, उनकी वीडियोस को लाइक करें, बहुत ही अच्छी वो वीडियोस बनाती हैं। तो साथ साथ आपने जो है ना वो देसी मुर्ग का सालन भी की वीडियो भी आपने साथ साथ देख ली होगी, तो जो है ना और रेहाना के किचन के कुछ सब्सक्राइबर अगर मेरी वीडियो को देख रहे हैं तो उनको उनसे भी ये रिक्वेस्ट है कि काइंडली मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। तो जो है ना सालन मेरा बिल्कुल रेडी था, तो ये मैंने जी आप इसमें पानी लगा दिया था, तो इसके बाद जी इसमें मैंने ऊपर ऐड किया था गरम मसाला और इसको मैं ढक के तकरीबन 5 से 7 मिनट के लिए पकाऊंगी, जबकि शोरबा जो है ना वो अच्छी तरह से पक जाएगा। तो शोरबा आप अपने मतलब हवाले जितना आपकी फैमिली है मतलब जितना आप रखना चाहें उतना आप रख सकते हैं। तो
मैंने इतना शोरबा रखा था, तो उसके बाद जी ऊपर से मैं इसमें ऐड कर दूंगी धनिया। तो ज़बरदस्त सा जो है ना ये देसी मुर्ग का सालन रेडी हो गया है। आपने ट्राई ज़रूर करना है, और अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलना। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।